हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टडी मोमेंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे पीएच मान से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में, साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे, जो कि जैसे बेसिक सा क्वेश्चन हो गया कि पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएच स्केल का खोज कब किया गया, पीएच स्केल का यूज कहाँ पर किया जाता है। इस तरह से जितने भी बेसिक सा क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहले उसको समझेंगे और उसके बाद फिर इस तरह के क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह का टॉपिक वाइज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए स्टडी मोमेंट और वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। वहाँ पर बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, हर रोज़ सुबह में करेंट अफेयर्स दिया जाता है जिस पीडीएफ मोड में मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और वहाँ पे हर रोज़ जितने भी वीडियो आते हैं उसका पीडीएफ मिलेगा और जितने एक्स्ट्रा पीडीएफ होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा, वो सारे पीडीएफ वहाँ पे डेली मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सबसे पहले आपके मन में यही आता होगा कि पीएच क्या है, इसका यूज कहाँ पर होता है, पीएच का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है और पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बात करते हैं इसका अर्थ के बारे में। तो इसका अर्थ होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है फ्रेंड्स। और एक या फिर इस तरह से भी सोच सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं कि पीएच स्केल से हम क्या पता करते हैं। तो पीएच स्केल से हम यही पता करते हैं, जैसे कोई भी घोल हो यानी सॉल्यूशन हो तो वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है, तो वो अम्लता या क्षारता नापने का स्केल है। पीएच क्या है, अम्लता या नापने, अम्लता या क्षारता नापने का एक स्केल है। कोई भी घोल होता है उसको हम मापते हैं कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है। पीएच स्केल कुछ इस तरह का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे होता है 7 यानी न्यूट्रल 7 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं 7 से ज़्यादा जैसे ही जाता है, 7 से ज़्यादा जैसे ही होता है किसी चीज़ का पीएच वैल्यू, जैसे ही 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है, और किसी चीज़ का वैल्यू जैसे ही 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला आपका बेसिक सा क्वेश्चन ये है कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी। तो पीएच स्केल की खोज जो सारेंसन किए थे, कौन किए थे, सारेंसन किए थे। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सारेंसन का जन्म जो हुआ था वो डेनमार्क में हुआ था, जो जानना बहुत ज़रूरी है। सारेंसन का जन्म कहाँ हुआ था, डेनमार्क में हुआ था। अब इनका जन्म जो हुआ था कब हुआ था, तो 9 जनवरी को हुआ था, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। 9 जनवरी 1868 में हुआ था, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला बेसिक सा क्वेश्चन ये है कि पीएच मीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएच स्केल का रेंज जो होता है वो 0 से 14 तक होता है, 0 से 14 तक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं 0 से 14 तक होता है, उसमें 7 पर जो होता है वो उदासीन यानी न्यूट्रल होता है, और 0 से 7 के पहले जो होता है, 7 से नीचे जो होता है वो अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा जिसका होता है पीएच वैल्यू वो क्षारीय होता है, वो क्षारीय होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं अम्लीय का इंग्लिश होता है एसिडिक, एसिडिक, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। उदासीन का इंग्लिश होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल, और क्षारीय का इंग्लिश होता है बेसिक, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान से देखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। चलिए अगला आपका बेसिक सा क्वेश्चन, जो कि लास्ट बेसिक सा क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आएंगे मेन क्वेश्चन पे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पांचों क्वेश्चन से कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था, जो कि इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। पीएच का फार्मूला क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएच का फार्मूला जो होता है वो होता है माइनस लॉग 10 और ब्रैकेट में होता है H+। H+ कहने का मतलब हाइड्रोजन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अब बात करते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि रक्त क्या होता है। ऑप्शन में रहेगा क्षारीय, ऑप्शन में रहेगा अम्लीय, ऑप्शन में रहेगा उदासीन, और ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या आना चाहिए, आपका राइट आंसर आना चाहिए क्षारीय, या फिर इंग्लिश मोड में रहेगा तो बेसिक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए। अब कैसे क्षारीय आना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी समझाया कि 7 पर जो होता है पीएच स्केल में, 7 पर होता है उदासीन, 7 से जैसे ही ज़्यादा जाता है किसी का पीएच वैल्यू तो वो हो जाता है क्षारीय, 7 से कम आता है तो अम्लीय, लेकिन यहाँ पे रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4 है, तो ये क्षारीय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं
इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जल जो होता है वो किस तरह का होता है, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदासीन। अब बात कर लेते हैं आप इसके ट्रिक के बारे में कि इसको कैसे याद रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सात होता है तो आप सप्ताह में कितना दिन होता है, सात दिन होता है। आप अगर खाना नहीं खाए तो रह सकते हैं सात दिन, लेकिन अगर एक दिन भी पानी नहीं पीजिएगा तो जिंदा नहीं रहिएगा, मतलब पूरा अंदर से ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो पानी आपको सातों दिन चाहिए, पानी आपको सातों दिन चाहिए, तो पानी का पीएच मान कितना हो गया, सात, क्योंकि पानी आपको सातों दिन चाहिए, ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, या फिर एक और ट्रिक है इस तरह से भी याद रख सकते हैं। एक गाना है, सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, यानी समुद्र में क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। समुद्र में क्या होता है, पानी होता है, और पानी का ये सात, सात का मतलब सात हो गया, तो पानी का पीएच मान कितना हो गया, सात हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका नमक का पीएच मान क्या होता है। तो नमक का भी पीएच मान कितना होता है, सात होता है, ये भी उदासीन होता है। अब बात करते हैं इसके ट्रिक के बारे में। तो अभी मैंने समझाया कि सात समुद्र पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई एक गाना है, ठीक है। तो अब समुद्र में क्या पाया जाता है, समुद्र में पानी पाया जाता है, और पानी का सात होता है, और समुद्र में नमक भी पाया जाता है फ्रेंड्स, नमक भी पाया जाता है, ठीक है, नमक भी पाया जाता है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, सात हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स एक ये ट्रिक है, अपने अपने सोच के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे अगर न्यूमेरिकल वैल्यू रटा जाए तो कितना ज़्यादा रट सकते हैं आप बताइए, एक यही तो नहीं रटना पीएच वैल्यू, जो हाँ रट लेंगे पाँच दिन दस दिन तो अपना पूरा कंप्लीट याद हो जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं, मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है, मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.4 होता है, मनुष्य के आंसू का 7.4 होता है, ठीक है फ्रेंड्स, एक ऑप्शन इरर है, ठीक है, 7.4 हो जाएगा मनुष्य के आंसू का पीएच मान। अब बात करते हैं कि इसके ट्रिक के बारे में, तो देखिए खून का यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4, ठीक है फ्रेंड्स। अब मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो इसका भी होता है 7.4। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर किसी मनुष्य को, किसी आदमी को चोट लगता है तो खून बहता है, चोट लगता है तो खून बहता है यानी रक्त बहता है। अब रक्त बहेगा तो वो आंसू यानी चोट लगेगा तो उसको रोना तो आएगा ही आएगा, रक्त भी बहेगा रोना भी आएगा, तो रक्त बहेगा रोना आएगा दोनों आएगा, और दोनों का पीएच वैल्यू कितना होता है 7.4। इस तरह से भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, नींबू का पीएच मान जो होता है वो 2.4 होता है, ठीक है, 2.4 होता है। अब इसका ट्रिक ये है, सोचने समझने का क्षमता ये है कि अगर आप कहीं पे मार्केट में जाते हैं, सामान लाने जाते हैं, कहीं पे सब्जी खरीदते हैं, तो उसको केजी में तोलवाते हैं, मतलब दुकानदार से, ठीक है, व्यापारी से, कि हाँ एक केजी आलू दे दीजिए, एक केजी मटर दे दीजिए, एक केजी मतलब टमाटर दे दीजिए, इस तरह से। लेकिन नींबू को केजी में नहीं तोलवाते हैं, नींबू को ऐसे बोलते हैं कि दो चार नींबू दे दीजिए, या फिर 10 का नींबू दे दीजिए तो वो दो चार नींबू डाल देता है। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जब मार्केट जाते हैं तो नींबू को केजी में नहीं तोलवाते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं दो चार नींबू डाल दीजिए, तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि नींबू जो होता है वो अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है, तो आप इसका क्या जवाब देंगे, आपका जवाब होगा अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। फ्रेंड्स आपको मैं ये बता दूं कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जितने भी खट्टे वस्तु होते हैं, मतलब खाने का सामान, उसका पीएच वैल्यू जो होगा वो हमेशा सात से कम ही होगा, यानी अम्लीय होगा, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताता हूँ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो कि हर टीचर नहीं बता सकता, हर यूट्यूबर नहीं बता सकता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स, बैटरी अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 1 होता है, बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है तो 1 होता है। अब बात कर लेते हैं कि बैटरी में जो अम्ल पाया जाता है यानी एसिड पाया जाता है, जैसे आप इन्वर्टर होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इन्वर्टर होता है तो उसमें बैटरी मिलता है, ठीक है, तो बैटरी रहता है इन्वर्टर में, तो उसमें क्या होता है कि एक नंबर बैटरी रहता है, बैटरी का अम्ल जो होता है वो एक नंबर रहता है। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि इन्वर्टर में जो भी बैटरी होता है वो एक नंबर होता है, ठीक है, उसमें अम्ल यानी एसिड जो पाया जाता है एक नंबर एसिड होता है, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स, सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान
एक होता है। अब बात कर लेते हैं कि अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल यानी देखिए आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता था कि H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है फ्रेंड्स, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। अब जितने भी सल्फ्यूरिक अम्ल यानी अम्ल की बात जहाँ पर किया जाएगा वहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, यानी पानी यानी बैटरी में जो पानी यानी अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, वो एक नंबर का होता है। क्या होता है, एक नंबर का होता है। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध का पीएच मान क्या होता है। अगला क्वेश्चन है दूध का पीएच मान क्या होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है फ्रेंड्स, 6.4 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4 होता है। देखिए इसका ट्रिक ये है कि जैसे दूध मतलब कोई किसान दूध मतलब गाय को जब दूध निकालने जाता है गाय के यहाँ, तो क्या होता है कि सुबह में 6 बजे निकालता है दूध, सुबह में 6 बजे दूध निकालता है और शाम में 4 बजे दूध निकालता है, शाम में 4 बजे दूध निकालता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 6.4 इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं कि दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4 होता है, ठीक है, यानी सुबह में 6 बजे और शाम में 4 बजे दूध दुहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मक्खन का पीएच मान कितना होता है। मक्खन का पीएच मान फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं आप 6.1 से 6.4 तक होता है, के बीच में होता है। मक्खन का पीएच मान कितना होता है, तो मक्खन का पीएच मान होता है 6.1 से 6.4। देखिए फ्रेंड्स दूध का पीएच मान होता है 6.4 और मक्खन का पीएच मान कितना होता है, 6.1 होता है। देखिए अगर मक्खन मक्खन की बात किया जाए तो दूध दूध से ही मक्खन बनता है, तो दूध का 6.4 होता है, तो 6.4 ही होगा और 6.4 से नीचे भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सोडा का पीएच मान कितना होता है। सोडा का पीएच मान कितना होता है, तो सोडा का पीएच मान फ्रेंड्स 3 होता है, ठीक है। अब इसके ट्रिक के बारे में चर्चा करते हैं। सोडा कहने का मतलब जैसे मान के चलिए कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, जैसे आप सब होंगे या फिर हम हैं, तो एक कोई स्टूडेंट है और रात में 3 बजे तक पढ़ता है, रात में 3 बजे तक पढ़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसका कोई गार्जियन आ गया, कोई अगल बगल का या फिर घर का लोग आ गया और वो बोलता है कि अबे अभी तक पढ़ता है, सोजा अब 3 बज गया। सोजा मतलब सोडा, ठीक है, सोजा मतलब सोडा, अब 3 बज गया, सोडा यानी सोजा अब 3 बज गया, तो सोडा का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप इस तरह से भी ध्यान में रख सकते हैं फ्रेंड्स। एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा ना, एक बार कंप्लीट कर लीजिए और फिर दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। मैं ये पक्का गारंटी देता हूँ कि आप कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। जितना मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ, आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, आप कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है सेब का पीएच मान क्या होता है। तो सेब का पीएच मान होता है 3। सेब का पीएच मान क्या होता है, 3 होता है। 100 से सोडा भी था तो 3 होगा, 100 से सेब भी है तो 3 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अचार का पीएच मान क्या होता है। तो अचार का पीएच मान 3.5 से 3.9 के बीच में होता है। अचार का पीएच मान क्या होता है, 3.5 से 3.9 के बीच में होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सिरके का पीएच मान कितना होता है। देखिए फ्रेंड्स सिरके का पीएच मान जो होता है, सिरके का पीएच मान जो होता है वो होता है 3। सिरके का पीएच मान कितना होता है, 3 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं, बात करते हैं इसके ट्रिक के बारे में। तो 100 से सेब का 3, 100 से सोडा का 3 और 100 से सिरका का 3। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जितने भी 100 से है, 100 से सिरका सिरके, ठीक है, 100 से सेब और 100 से सोडा, सबका 3-3 है पीएच वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए अपने अपने सोचने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस तरह से सोच सकते हैं। मुझे जो मतलब सोच समझ आया उस तरह से मैं ये ट्रिक बना लिया, ठीक है, और इस तरह से मैं समझा रहा हूँ आपको। जिस तरह से सोच समझ आता है उस तरह से आप खुद ट्रिक बना सकते हैं, खुद डेवलप कर सकते हैं, खुद याद कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका शराब का पीएच वैल्यू क्या होता है। तो शराब का पीएच वैल्यू जो होगा वो 2.8 होगा। शराब का पीएच वैल्यू कितना होगा, 2.8 होगा। आप इस तरह से, अब देखिए शराब जैसे कोई बंदा शराब पीता है, कोई व्यक्ति शराब पीता है तो 2 पैक जैसे ही लगाता है तो उसको सामान 2 की जगह कितना दिखने लगता है, 8 दिखने लगता है। जैसे 2 पैक लगाता है तो 2 की जगह उसको सामान 8 दिखने लगता है, ठीक है, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। अगला क्वेश्चन है समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। तो समुद्र जल का पीएच मान जो होता है वो 8.5 होता है, 8.5 होता है। अब आप सोचेंगे कि अभी तो मतलब जस्ट इससे पीछे वाले क्वेश्चन में मतलब एक नंबर या फिर 2 नंबर क्वेश्चन में बात किए थे कि समुद्र मतलब जल का पीएच मान, साधारण जल का यानी कॉमन वाटर का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है,
ठीक है, अभी बात किए थे, हाँ जल का पीएच मान 7 होता है, लेकिन समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो 8.5 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 8.5 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है वो 4.8 से 8.4 के बीच में होता है, 4.8 से 8.4 के बीच में होता है। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए 4.8 है तो आप इसको सीधा उल्टा कर दीजिए तो 8.4 हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जब भी मानव मूत्र का पीएच मान पूछा जाएगा तो सीधा डायरेक्ट 4.8 का उल्टा कर देंगे 8.4, तो ये दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शैम्पू का पीएच मान कितना होता है। तो शैम्पू का पीएच मान होता है 7 से 10 के बीच में। कितना होता है फ्रेंड्स, 7 से 10 के बीच में शैम्पू का पीएच मान होता है। ठीक है, अब मतलब पतंजलि का शैम्पू कितना मिलता है, पतंजलि का शैम्पू कितना मिलता है, तो 7, यानी महंगा आता है थोड़ा सा, तो 7 में मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्लिनिक प्लस का आता है तो 1 रुपया, यानी इस तरह से भी आता है, तो पतंजलि का कितना आता है, 7 रुपये में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव लाड़ का पीएच मान कितना होता है। तो मानव लाड़ का पीएच मान जो होता है वो 6.5 से 7.5 के बीच में होता है, 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मानव लाड़, लाड़ का इंग्लिश होता है सलाइवा, लाड़ का इंग्लिश सलाइवा भी बोल सकते हैं, आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है सलाइवा। ठीक है, तो इसका पीएच वैल्यू जो होता है 6.5 से 7.5 के बीच में होता है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से मार्क कर लीजिएगा वीवीआई में। ठीक है फ्रेंड्स, वीवीआई में किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.2 परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब फ्रेंड्स, आप प्रचार वगैरह में ऐड देखते होंगे यूट्यूब पे या फिर कहीं पे ऐड देखते होंगे कि दो बूंद जिंदगी की, पोलियो के बारे में प्रचार करता होगा, दो बूंद जिंदगी की। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्या है, 0.2 है। तो इस तरह से भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि दो बूंद जिंदगी की, अगर दो बूंद 0.2 अगर रक्त के पीएच मान में परिवर्तन हो गया तो मृत्यु हो जाती है, तो आप 0.2 भी ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का लगभग पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का लगभग पीएच मान जो होता है वो 5 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 5 होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है, 5 होता है। अब बात करते हैं अम्लीय वर्षा, तो यहाँ पे ये आपको साजिश हो गया, ये आपको ध्यान में आ जाएगा कि 7 पर तो न्यूट्रल होता है, 7 पर क्या होता है फ्रेंड्स, उदासीन होता है, यानी न्यूट्रल होता है, 7 पर न्यूट्रल होता है। अब अम्लीय वर्षा की बात करें तो अम्लीय कहने का मतलब 7 से कम होगा, तो 7 से जस्ट कम होगा, 2 कम होगा, 5 अम्लीय वर्षा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चाय का पीएच मान कितना होता है। तो चाय का पीएच मान होता है 5.5। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जैसे ही आप कहीं पे मार्केट में या फिर कहीं पे जाते हैं स्टूडेंट्स लाइफ में चाय पीने, ठीक है, आप दो फ्रेंड्स के साथ में गए, ठीक है, एक आप हो गए, एक और कोई होगा अगल बगल का, ठीक है, अब दोनों गए और एक कप चाय ले लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि एक कप चाय ले लिए और आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, आपके पास पैसा नहीं, तो क्या करेंगे कि आप उनसे एक कप मांग लेंगे दुकानदार से, और उसी एक कप से दो कप में मतलब कर लेंगे, आधा आधा डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और वही आधा आधा में दोनों लोग पी लेंगे। तो इस तरह से आप 5.5 कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 5.5 इस तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है, आप जैसे भी आपको समझना है आप समझ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है कॉफ़ी का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो कॉफ़ी का पीएच वैल्यू भी होता है 5.5। ठीक है, कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है, 5 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जैसे चाय का पीएच मान 5.5, कॉफ़ी का पीएच मान 5, मतलब जस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान क्या होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसका रासायनिक फॉर्मूला जो होता है वो रासायनिक फॉर्मूला होता है HCl। इस तरह से भी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि HCl का पीएच मान कितना होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, HCl का पीएच मान 1 होता है। ठीक है, अब इससे पहले अभी चर्चा किए थे कि जहाँ पे भी अम्ल की चर्चा किया जाए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल
यानी जितने भी अम्ल जो होते हैं उसका कितना होता है, वन होता है। पीएच मान कितना होता है, वन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वन क्यों होता है, क्योंकि बैटरी का पानी जो होता है वो एक नंबर का होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड उस समय एक था, ठीक है, बैटरी का अम्ल जो था एक था, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो भी एक है। तो आपको जहाँ पे अम्ल आएगा वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक ही होगा, क्योंकि नंबर वन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, बियर का पीएच मान क्या होता है। तो बियर का पीएच मान की बात करें तो 4.5 होता है। बियर का पीएच मान कितना होता है, 4.5 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ त्वचा का पीएच मान क्या होता है। स्वस्थ त्वचा का पीएच मान क्या होता है, 5.5 होता है। और फ्रेंड्स बात करते हैं चाय, देखिए चाय का भी 5.5 था और स्वस्थ त्वचा का भी 5.5 है। देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे बात करते हैं चाय का, तो ज़्यादा चाय पीने से क्या होता है, बीमारी पकड़ लेता है। ज़्यादा चाय पीने से, चाय में निकोटीन पाया जाता है, चाय में निकोटीन पाया जाता है। अगर आप बायोलॉजी का स्टूडेंट अगर आप पढ़ते हैं तो पता होगा चाय में निकोटीन पाया जाता है, और चाय में निकोटीन पाया जाता है तो बीमारी पकड़ लेगा। ठीक है, और बीमारी पकड़ लेगा तो सेहत क्या हो जाएगा, गड़बड़ाना स्टार्ट हो जाएगा। उस समय तो ठीक ठाक था, उस समय 5.5 यानी ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही 5.5 वाली चाय पिया, जैसे ही इसके बराबर वाली, बराबर रेंज वाली चाय पिया, उसी तरह उसका गड़बड़ाना, सेहत गड़बड़ाना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी ध्यान में रख सकते हैं कि इसके बराबर रेंज का पिया, जैसे ही बराबर रेंज का ये अपने शरीर में डाला, उस तरह से इसका सेहत जो है वो गड़बड़ाना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए स्वस्थ त्वचा 5.5 पर था, लेकिन जैसे ही बराबर रेंज वाली डालेगा तो उसका खराब हो जाएगा। इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडा का पीएच मान क्या होता है। अंडा का पीएच मान 7.8 होता है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अभी अंडा का भाव कैसे है, यानी अंडा का रेट कैसा है, तो अंडा का रेट है 7 या 8 रुपए अंडा का रेट है। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि अंडा का रेट 7 रुपए या फिर 8 रुपए, ठंडी आने पर 8 रुपए हो जाता है, गर्मी आने पर 7 रुपए हो जाता है। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लें। अगला क्वेश्चन है, टमाटर का पीएच मान कितना होता है। तो टमाटर का पीएच मान होता है 4.5। टमाटर का पीएच मान 4.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके ट्रिक के बारे में। इसका ट्रिक क्या है फ्रेंड्स, देखिए अगर टमाटर में अगर टॉ काट दिया जाए, टॉ को अगर इग्नोर कर दिया जाए, तो मटर बचता है। क्या बचता है, मटर। मटर आप इस तरह से भी सोच सकते हैं। और मटर में दाने कितने होते हैं फ्रेंड्स, मटर में दाने कितने होते हैं, 4 से 5 दाने होते हैं। मटर में 4 से 5 दाने होते हैं। तो इस तरह से भी आप ध्यान में रख सकते हैं, टमाटर का पीएच मान क्या होगा, 4.5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, टमाटर के रस का पीएच मान क्या होता है। टमाटर के रस का पीएच मान क्या होता है। तो टमाटर के रस का पीएच मान जो होता है वो 4.1 होता है। देखिए जैसे टमाटर का पीएच मान क्या होगा, 4.5 हो जाएगा। ठीक है, टमाटर का पीएच मान 4.5 हो जाएगा। तो इस तरह से भी ट्रिक क्या था उसका, 4 से 5 दाने होते हैं टमाटर में, या ध्यान में रख सकते हैं टमाटर के रस के बारे में, तो 4.1 होगा, यानी हल्का ज़्यादा होगा। ठीक है, ना 4 होगा ना 5 होगा, दोनों के बीच में होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, टूथपेस्ट का पीएच मान क्या होता है। टूथपेस्ट का पीएच मान क्या होता है। तो टूथपेस्ट का पीएच मान 8 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, टूथपेस्ट का पीएच मान क्या होता है, 8 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है। अम्लीय घोल का फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ऊपर ही अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, तो ये 7 से कम होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। आप पीएच स्केल में देख सकते हैं कि 7 जो होता है ये उदासीन पे होता है, उदासीन पे होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा कि उदासीन घोल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब 7 से कम जो होता है वो अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, और 7 से ज़्यादा जाएगा तो वो क्षारीय घोल का पीएच मान होगा। आप इस तरह से जरूर याद रख लीजिएगा, इतना अच्छे से कोई नहीं बता सकता है स्केल खींच खींच कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होता है, तो ये तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, केला का पीएच मान क्या होता है। तो केला का पीएच मान काफ़ी ज़्यादा इजी है। केला का पीएच मान 4.5 से 5.2 के बीच में होता है। केला का पीएच मान क्या होता है, 4.5 से 5.2 के बीच में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है। तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान होता है 1.5। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान क्या होता है, 1.5। अब इसके ट्रिक के बारे में बात करते हैं। जैसे आप ध्यान में रखिएगा, जैसे कोई व्यक्ति जूस पीता है तो एक नंबर उसका शरीर जो है, स्वस्थ जो है वो एक नंबर होता है। ठीक है,
शरीर यानी स्वस्थ जो है एक नंबर हो जाता है जूस पीने से, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसके पेट में गैस बनता है तो उसका पेट बाहर की तरफ आ जाता है, यानी पॉइंट बाहर, 0.5 पेट बाहर फेंक देता है, ठीक है। 0.5 पेट बाहर फेंक देता है, यानी जैसे ही जूस जूस पीता है तो एक नंबर रहता है, और जैसे ही गैस बन जाता है तो वो 1.5 हो जाता है। तो इस तरह से भी आप ध्यान में रख सकते हैं गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है, 1.5 होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है, सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा 5.6 से 6 के बीच में। सामान्य वर्षा जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 5.6 से 6 के बीच में सामान्य वर्षा का पीएच मान होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, जितने भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे इस वीडियो में कवर कर लिए गए हैं, जितने भी बेसिक क्वेश्चन बनते थे इसके बारे में पूरी डिटेल में हम चर्चा भी कर लिए हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो ट्रिक ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का अच्छे से कंप्लीट वीडियो बेसिक के साथ में बढ़ाऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।